तो काफी सर पूछ रहे बाजी तेरे बाल बड़े लंबे ने, कोई सानू राज दसो। मेरे बाल तो उम्र के साथ ना जैसे 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 बुढ़ापा आता गया। नहीं, 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 नहीं। तो यहाँ पे इनकी ले चल रहे छत पे डाल रहे कारपेट। छत पे डाल नहीं है, लपेटनी है। अच्छा, मैंने कहा शायद छत पे डाल रहे हो। किसी को दूंगा नहीं, छत पे डाल दूंगा। नहीं, देने वाली बात नहीं है। ये ना हमने रखे थे कि फर्ज करें अगर हमें कहीं जाना पड़ता है फिर हम दोबारा परचेज करते रहेंगे। वही ना, यही हम काम करते रहेंगे। नहीं, किसी को फंक्शन फंक्शन पे भी हमें काम आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं है ना। हर कोई चीज बनाता है अपनी जरूरत के हिसाब से बनाता है। उधर से खोल उसको। खींच। सफाई नहीं थी पहले। खींच 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 खींच। सब सीधा कर। ये बड़ा है। हाँ हाँ। सीधा कर। इनको पहले यहाँ पे बिछा लेते हैं अच्छी तरह। बिछाने के बाद यहाँ पे इनकी कर लेंगे सफाई। सफाई सुथराई के बाद ना इनको लपेट लेते हैं। छत पे बिछा दिया तीनों को, तीनों की सफाई कर लेते हैं। फिर मैं तो एक और भी कहता हूँ, वैसे अगर इसी तरह ना हम बैठक में डाल दें सारे तो पड़े तो रहेंगे। क्या ख्याल? नमी ना आ जाए नीचे वालों में। चलो अभी तो फिर ऐसे ना गोल राउंड रपेट के खड़ा करते हैं इनको। बैरी खड़े हो नहीं जाएंगे? क्या ख्याल है आपका? ये ऐसे लंबाई में है ना? हाँ, ये ऐसे लंबाई में। मैं इसकी पेमाइश कर लूँ कितनी है? ये 12 फुट का होता है मेरे ख्याल में। तो 12 फुट का हमारा छत तो नहीं है ये घर की। अरे सफाई तो करना, फिर देखते हैं सफाई हो जाती है ना फिर इसकी जो भी सिचुएशन बनी ना उस हिसाब से ना इसको कर लेंगे। अच्छी तरह कर ले, साफ सुथरी मट्टी छट्टी निकाल लें क्योंकि मट्टी से ना कीड़े पड़ते हैं। अच्छा जी, हमने अभी एक कारपेट लपेटा था, बाकी के दो भी पड़े हैं, रेड और ये जो सांवला सा है। सांवला सा जी। अच्छा, लेकिन अभी हमारे आ चुके हैं मेहमान। हाँ जी, उनके लिए कोई बंदोबस्त करना है। हाँ जी, तो वो कर लेते हैं। ये अभी धूप लग रही है इनको अच्छी तरह, ये कुछ सूख साख लें तो उसके बाद करते हैं। आओ चलें, सारा सामान फिर बाद में करेंगे। अच्छा जी, मेहमान हमारे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है जी? वेख ले, ये बड़े सारे फ्रूट शूट भी ले आए और मेहमान बड़े मेहमान हमारे हमारे तुम्हारे हमारे सब के जाने पहचाने हैं, इकट्ठे हैं। तो ये जंग से ही आए हैं, हमारे मतलब पड़ोसी थे वहाँ पे। तो सुकलैन भाई और उनकी मिसेज और ये कैमरामैन और ये, तो अभी हम इनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों को दिखा देंगे, चाय बन गई है। इनमें से मेरे ख्याल में कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ कोक पीते हैं, ऐसे ही ना अलग अलग हैं, कुछ मिक्स करके पीते हैं चाय। चलो जी, यहाँ पे जी चाय बन गई है, ये बोतल बन गई है, ये ना सारा कुछ मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाए।
ये जनाब जी अंडे हैं, ये कुकीज़ हैं, और साथ में क्या होगा? कुकीज़ ही कहते हैं इनको? अच्छा साढ़े हाँ बिस्किट कहते हैं यार। कुछ निकलना दे यार, नहीं निकलना अच्छा खाओ। तो यहाँ पे दिए इनकी ले चल। अच्छा जी माशाल्लाह से जी शाम होने से पहले पहले मेहमान हमारे रेडी हो चुके हैं और देखें जी बिल्कुल जा रहे हैं। और हमारे हम हमने इनको गिफ्ट में ना गांव का ये हम सब्जी इनकी पाट के अपने साथ लेके जा रहे हैं, हम इसके मूली वाले पराठे में। हाँ मूली मजेदार बनेंगे। तो आप चाहे तो इसको मूलियों को यूं करके भी लटका देते दीवार पे तलवारें बना के तो मूली पीछे निकली है ना वो इस तरह बड़ी हुई थी। तो माशाल्लाह से जुड़े हुए वो देखी थी ना आपने। तो खैर बहरहाल जी हमने इनको ऑफर दिया भाई खाना शाना खा के जाएं, टाइम बड़ा पड़ा अभी बना लेंगे। नहीं नहीं हम दिल से ही कह रहे हैं सच्ची वाली बात, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। कितना टाइम लगता चिकन बनाते हुए? कितना टाइम लगता है? आधा घंटा लगता है। हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो खा तो रोटियां था ओ इशू को ने रोटियां तंदूर थे बहुत उत्ते से उन आखरी नो आखरी जितनी आपको बनाई जा बनाई जा कोई इशू भी नहीं है। माँ की मजाक तो हट के भाई नहीं नहीं सच्ची गल है। खाने तो कितना टाइम लगा? नहीं नहीं खोल खा खोल खा के नहीं खाना नहीं था तो लेते तो आते ही था। खा के कितना किलोमीटर है? ओए मंगा मंगा वाली कौम। अच्छा जी खैर जी अभी बहरहाल ये तैयार हो चुके हैं, सफ़र करना है, टाइम ठंडा हो रहा है काफ़ी। हाँ तो फिर इंशाल्लाह आप लोग भाई आए बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे जी। मान हमारे जा रहे हैं जी। ओके भाई जान अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। आज मौसम का मैं आपको बता दूं तो मौसम ये है जी, बादल हैं और ठंडी हवा चल रही है और सूरज इसी की आँख मचोली में ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम बैठे थे धूप में, लेकिन धूप कभी बन जाती है कभी चली जाती है। हमारी जो यहाँ पे बेगम है वो जनाब जी अपने बाल संवार रही है। बाल नहीं, मैं चेयर पे बैठी थी, इन्होंने कहा नीचे बैठा करो, जब मैं चेयर पे बैठता हूँ तो फिर मैं नीचे बैठ। अच्छा मैं ऊपर बैठा हूँ चेयर पे, ये देखे जी इनके बाल। ये देखो सारी टेंशन में गिर गए। टेंशन में नहीं गिर गए, ये असल में ना बालों की आज सफाई हो रही है। कल मैं ना नहाई थी तो मैंने ना कंघी नहीं की, वो आज ये हालत हो गई बालों की। तो काफी सर पूछ रहे बाजी तेरे बाल बड़े लंबे ने, कोई सानू राज दसो। मेरे बाल ये मेरे शौहर खींचते हैं, तो जिन्होंने बाल लंबे करने हैं वो शौहरों को हाथ में दे दिया करे, वो यूं यूं खींचा करे लंबे हो जाएंगे। ए ना पवे आज आज सारी सारे शौहर शौहर अपने बेगमा दे बाल लंबे करन लगे होना है। और क्या सारे खींच के फिरते होंगे। नहीं नहीं आपने तो गलत मशवरा दे दिया है, ये कोई मशवरा है? आपने अच्छा तो मशवरा दो अपनी बहनों को, अच्छा सा मशवरा दो। ये मैं बताऊं कि क्यों बाल आपके लंबे हैं? हाँ। मैं बता देता हूँ इनके जी बाल ऐसे लंबे हैं कि नहीं, आप तो मेरे बालों पर रिसर्च की हुई है। मैं मुझे पता है ना, आखिर बंदा जिसके पास रहता है उसको पता होता है ना, जिनके साथ मिलता उठता है पता होता है कि इनके बाल क्यों लंबे। इनके ऐसे में बाल जी ऐसे लंबे हैं कि इनके खानदानी तौर पर जीन्स में ही बाल थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से लंबे हैं। इनकी जो है ना मैंने फैमिली में देखा है कि बाल तकरीबन सही होते हैं। हाँ बाल लंबे होते हैं। हाँ इनकी हाँ। फैमिली के बाल लंबे हैं तो फैमिली की वजह से ये ऐसी सूरत हाल है। हाँ। बाकी कोई खास कारनामा नहीं है, वैसे तो ये सर भी नहीं धोती। शैम्पू क्या करना? अस्तगफिरुल्लाह मैं नहीं धोती हूँ, मजाक की बात नहीं, हर तीसरे चौथे दिन धो लेती हूँ, ठीक है ना? तीसरे चौथे दिन डेली तो नहीं धो सकते ना, खुश्क भी नहीं होते। तो थोड़े से इनके अभी तो ये छोटे हो गए, जब शुरू शुरू में मैंने इनको पहली दफा देखा था ना तो इनके बड़े लंबे बाल थे। हाँ। तो मैंने फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है इत्तेफाक किया कि नहीं नहीं काट दो, शैम्पू ज्यादा लग जाएगा। फिर इन्होंने मेरे बाल कटवा दिए। नहीं नहीं इन्होंने खुद शौकिया काटे थे, खुद आपको शौकिया आपने काटे थे? काटे थे याद है, ऐसे हाथ लगाए थे, बाल मेरे नहीं लंबे हुए दोबारा। नहीं तो लंबे ही है, कौन से छोटे है। तो अभी तो और मतलब इनके लंबे शुरू में काफी लंबे शहरी थे। और मेरे बाल एक जैसे, शहरी के भी बहुत बढ़ते हैं। तो लेकिन बाद में ना ये ऐसा ऐसा उम्र के साथ ना जैसे 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 बुढ़ापा आता गया। नहीं, 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 नहीं। आप बूढ़े हो, आप
कहती हूँ आप, अब मैं क्या कहूँ, ये बूढ़े ये बूढ़े ये बूढ़े ये बुढ़ी नहीं है और क्या, ये होना भी नहीं चाहते। अभी तो मेरी उम्र की लड़कियों की शादियां हो रही हैं, मेरी कोलीग्स वगैरह की अभी शादियां हो रही हैं, वो कह रही है नहीं जी वो बकौल उनके कि अभी हमारी, अब हमारी भी उम्र हुई है शादी करने की। हाँ जी, और मैं दो बच्चों की माँ भी बन गई हूँ। हाँ ये तो, हाँ, तो फिर वो अब जो नहीं करती, नहीं करती नहीं, ना वो करती नहीं, उनकी पढ़ाई खत्म होती है फिर उनकी जॉब लगती है, एक दो साल वो जॉब करती हैं, जॉब से वो पैसे इकट्ठे करती हैं, फिर जहेज बनता है उनका, फिर शादी हो जाती है, कितना सा टाइम लगता है। हाँ तो फिर हमारा तो ये कोई ऐसा सीन ही नहीं था ना। हाँ हमने हमारी तो जॉब लगी लगाई हमें मिल गई। हाँ लगी, हम पैदा होते ही पढ़ना शुरू हो गए, पढ़ना शुरू हो गए, हम दोनों की शादी हो गई। हाँ जी हाँ जी, तो अभी तो हम छोटे 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 हाँ। चलो जी, आप लोगों ने इसको छोटा छोटा ही कहना। हाँ। तो बहरहाल जी, मौसम काफी ठंडा है, ओ शहरी भी आ गया है, ऑन करना ऑन करना। कौन सी ये गेम, ये यहाँ पे बकरियों को क्या होगी, हवा बड़ी चल रही है, देखा ना ऐसे ना हवा चली जा रही, चल ठंडी हवा यख है, और मौसम आज ना लगता बारिश होने वाली है, जो हालात के लग रहे हैं ना शायद बारिश हो जाए, नहीं तो रात को कक्कर जरूर पड़ेगा, ठंडा ठार, टेम्परेचर अभी भी 7 पे है। अच्छा जी, मेहमान हमारे खाना खा के चले गए, खाना सेना अभी यहाँ पे बर्तन शर्तन पड़े, और अभी हमारा वो जो काम बाकी का रहता है ना उसको कर लेते हैं, तो बाद में करना है, और आप लोगों से अभी कहा लेते हैं इजाजत, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, ताज़ा ताज़ा वीडियो के साथ, तो तब तक अल्लाह हाफिज। एनु समझाओ क्या ए बंदा ने सीधा और बिल्कुल पता नहीं इसके पीछे एक डेढ़ मंथ से ना क्या चल रहा है, कैसे सीधा करना चाहते हो बताओ तो सही, कुछ पता तो लगे ना, मुझे तो कुछ पता लगे ना, मैंने इस गल नहीं समझ आती कोई, तो फिर मैं कैसे समझाऊं, बताओगे तो मुझे कुछ पता लगे। चलो खैर अभी वीडियो करते हैं एंड, इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, मैं भी थोड़ा सोच लूं कि कैसे सीधा करना है, तो मैं खुद भी समझ लूं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।